hey guys this video is brought to you by the brilliant one football app there is so much happening around the world of football right now and it is so difficult to keep a track of everything well one football makes that very easy for you one football is my personal go-to app whenever i need to look up something about chelsea about premier league la liga bundesliga syria league everything is available out there every transfer rumor Information about every player, whatever you need is available on the One Football app. Please head into the link given in the description below and download the One Football app now. तो अभी तक किस पे मैंने ज़्यादा कुछ बात की नहीं है क्योंकि कुछ concrete आया नहीं था. लेकिन अभी links आने लगे हैं कि Chelsea Enzo Fernandez के लिए थोड़ा सा aggressively push कर रही है और शायद वो जो उनका release clause है 106 million pounds का उसको मीट कर लेंगे और मे बी जस्ट मे बी चेल्सी कैन साइन एनजो फर्नांडिस इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में तो क्या मेरे थॉट्स हैं इसको लेके इसको मैं थोड़ा सा इस पर मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में तो अगर मैं एन्जो फर्नांडिस की बात करूं तो एनजो फर्नांडिस एक इस तरीके के मिडफील्डर हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है जिनकी चेल्सी को एक बहुत ही बेहतरीन डिस्ट्रक्टर हैं गेम के अग्रेसिव हैं बहुत ज़्यादा एक टेनेसिटी लेके आते हैं वो मिडफील्ड में और हम अगर चेल्सी की मिडफील्ड की बात करें ना तो बहुत टाइम से सेम मिडफील्ड चली आ रही है चेल्सी की तीन चार साल से हमने अगर डेनिस जकारिया को मैं हटा दूँ जो लोन पे हैं अभी इस समय और आप उनको किसी भी एंगल से नहीं बोलेंगे कि हाँ एक वर्ल्ड क्लास डिफेंसिव मिडफील्डर है तो उसके अलावा हम बात करें जॉर्जीनियो की कोवचिच की कांटे की ये तीन चार साल से हैं तो कुछ रिफ्रेश नहीं किया गया किसी भी तरीके से चेल्सी के मिडफील्ड को और एक एनजो फर्नांडिस जैसे मिडफील्डर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से नवाजा गया उनको फीफा वर्ल्ड कप 2022 में बेनफिका के लिए उनकी बहुत अच्छी शुरुआत रही है करियर की अगर आप उनकी चैम्पियंस लीग में परफॉर्मेंसेज देख लें स्पेशली तो तो बहुत अच्छे प्रोग्रेसिव पासर हैं गेम के और बॉक्स टू बॉक्स भी खेल सकते हैं डीप लाइन नंबर सिक्स भी खेल सकते हैं डिसरप्टर हैं कॉम्बेटिव मिडफील्डर हैं बहुत ज़्यादा अच्छे हैं डूल्स में फ़िज़िकल हैं काफ़ी और गेम को रीड बहुत अच्छा करते हैं ऑफ़ द बॉल मूवमेंट उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है सबसे जो उनकी अच्छी बात यह है कि रिसाइकिल बहुत अच्छा करते हैं पोजिशन को अगर एक बार जीत लेते हैं मिडफील्ड में बीच में तो उनकी अप्रोच रहती है कि उनको बॉल को आगे चलाना है जैसे हम कभी कभी चेल्सी के जो अभी के मिडफील्डर्स हैं उनमें हम क्या शिकायत होती है हमारी उनसे कि यार आप बहुत ज़्यादा पैसे हो जाते हैं बॉल को लेके कर या पोजेसन को लेके आप आगे नहीं बॉल को मूव करते हैं और आप प्रोग्रेसिव नहीं हैं बहुत ज़्यादा अपने पोजेसन में और आपकी जो अप्रोच है कभी कभी बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हो जाती है तो जैसे अभी अभी अगर मैं बात करूँ जो बोनमत के अगेंस्ट हमने खेला उसमें हमने क्या तारीफ़ करी जॉर्जीनियोगी कि वर्टिकल पासिंग सीधा खिलाया मतलब एडवेंचरस थे हाँ पोजेसन लूज़ हुआ उसमें लेकिन आप एडवेंचरस थे और दूसरी बात यह है कि एनजो फाइनल थर्ड में बहुत ज्यादा पहुंचाता है बॉल को और प्लस डिसेंट एक उनके पास शॉट भी है गोल्स भी वो स्कोर कर लेते हैं कुछ कुछ जैसा आपने देखा था मेक्सिको के अगेंस्ट उन्होंने एक बहुत शानदार गोल स्कोर किया था वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना के लिए तो ट्रेड्स हैं सारी चीजें हैं वहां पर और यह मिडफील्डर अगर आपको 30-40 मिलियन में अवेलेबल हो तो तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि चेल्सी को क्यों नहीं जाना चाहिए एनजो फर्नांडिस के लिए तो यह तो बात हो गई प्रोस की कि क्यों चेल्सी को चाहिए एनजो फर्नांडिस अब बात करते हैं जो रिस्क इन्वॉल्व है इस डील में अब सबसे पहली बात तो कि चेल्सी को लगातार दूसरे साल मतलब एक साल के डेढ़ एक डेढ़ साल के अंतराल में ही अपना ट्रांसफ़र रिकॉर्ड तोड़ना पड़ेगा वो तो खैर कोई उसमें इतनी ख़राब बात नहीं है क्योंकि फाइनेंसिस और फुटबॉल मार्केट तो एकदम ख़त्म हो चुका है मतलब वो तो पता ही नहीं कि कौन से प्लेयर की क्या प्राइज़ है और किस तरीके से जो वैल्यूएशन है वो काम करते हैं लेकिन चेल्सी को अगर चाहिए इस तरीके का मिडफील्डर तो इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा और मिडफील्डर तो चाहिए ये तो मैं बहुत टाइम से कह रहा हूँ और एनजो फर्नांडिस जैसा मिडफील्डर अवेलेबल है तो आपको उसके पीछे जाना चाहिए लेकिन अगेन 106 मिलियन पाउंड प्रीमियर लीग की सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव साइनिंग हो जाएगी एक और जो बात है वो ये है कि अभी इसी सीज़न उनको समर में साइन किया था बेनफिका ने तो सैम्पल साइज बहुत कम है तो अभी हमने सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें देखी एनजो की लीग में उनको देखा अच्छा करते हुए चैम्पियंस लीग में देखा उनको अच्छा करते हुए वर्ल्ड कप में उन्होंने ज़रूर स्टेप अप किया लेकिन जो ये जज करने का अंतराल है ना उनको बहुत कम है तो अगर आप अपना रिकॉर्ड तोड़ देते हैं आप उनको अपना सबसे महंगी साइनिंग बना देते हैं प्रीमियर लीग की सबसे उनको अगर आप अपनी महंगी साइनिंग बना देते हैं तो ये बहुत मैसिव रिस्क है जो आप ले रहे हैं क्योंकि आपने अभी तक देखा नहीं है कि जब थोड़ा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में इस प्लेयर को परफॉर्म करना हो तो वो क्या करेगा बट ठीक है ये एक रिस्क है जो आप ले रहे हैं अगर आप इस डील को क्लोज कर लेते हैं बट मैं ऑब्वियसली मेरे को पी है चेलसी की बिग मनी साइनिंग्स को लेके, क्योंकि टू बी फेयर अगर हम बहुत ऐसे कंपेयर करें जो बहुत पैसा खर्च किया जिन साइनिंग्स के लिए जैसे अगर मैं बात करूं लुकाकू का जैसे आप सबको पता है कुछ ना ही बोलूं मैं तो बेहतर है उस साइनिंग के बारे में फिर हम काय हैवर्ट्स की भी अगर बात करें तो मुझे नहीं लगता है कि प्राइस टैग को जस्टिफाई किया है काय हैवर्ट्स ने अपने लेकिन अगेन प्राइस टैग वैल्यूएशन और जिस तरीके की नेगोसिएशनस होती हैं आजकल फ़ुटबॉल में वो समझ के परे हो चुकी हैं बिकॉज इतना ज़्यादा इन्फ्लेटेड है समय ट्रांसफ़र मार्केट की अगर आपको एक अच्छा प्लेयर चाहिए तो आपको इतना पैसा तो खर्च करना ही पड़ेगा तो क्या ये रिस्क चेल्सी को लेना चाहिए अब देखिए यहाँ पर हम टॉट बोली को क्वेश्चन तो नहीं कर सकते और उनकी टीम की अप्रोच को क्वेश्चन नहीं कर सकते कि आप कुछ कर नहीं रहे हैं क्लब की बेहतरी के लिए आई थिंक एनजो फर्नांडिस के पीछे जाना उनसे किसी भी कैपेसिटी में लिंक होना मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव अप्रोच दिखाता है तो वहाँ मैं उस लिहाज से तो खुश हूँ लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप इतना एक यंग प्लेयर साइन करते हैं इतना ज्यादा पैसा खर्च करके तो आपके पास एक क्लियर प्लान होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उनको लेके आ जाएं लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कैसे खिलाएंगे उनको बट ऑब्वियसली एन्जो फर्नांडिस को आप लेके आते हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छी टीम और अच्छी मिडफील्ड बना लेंगे आप डेफ़िनेटली आपका लेवल ऊपर चला जाएगा अगर आप एनजो को किसी भी टीम में डालेंगे ये तो उसमें कोई दो राय नहीं है इस बात में तो दूसरी चीज़ ये है कि अगर चेल्सी एनजो फर्नांडिस पे 106 मिलियन खर्च कर देती है तो जो एक राइड बैक पर आपको बैकअप चाहिए रीस जेम्स का फिर आपका बैनवा बदिया शीले की डील का क्या होगा क्या वो डील पर कुछ असर पड़ेगा इससे फिर उसके बाद आपको एक फॉरवर्ड और चाहिए क्योंकि एनकुनकू तो आ रहे हैं लेकिन क्या आप ब्रोहा भी आपके अवेलेबल नहीं है फिर ओबामिया मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म फ्यूचर है उनका क्लब पे तो क्या आपको एक और स्ट्राइकर चाहिए होगा तो अगर फाइनेंशियल फेयर प्ले में आप फंसते हैं तो उन सब चीज़ों को आप कैसे मैनेज करेंगे वो सारी चीज़ें क्या एक मिलियन पाउंड करना एनजो फर्नांडिस पर वर्थ है वो रिस्क जो है क्या चेलसी को लेना चाहिए सबसे बड़ा सवाल ये है तो मेरे हिसाब से तो देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर मतलब मैं ऑब्वियसली सिनिकल नहीं होंगे बिकॉज बहुत लोग सिनिकल हो जाएंगे यहाँ पे कि यार टॉट बोली को तो पता ही नहीं वो क्या कर रहे हैं और इतने में तो दो अच्छे मिडफील्डर आ जाएं क्योंकि जैसा मैंने कहा अगर 106 मिलियन आप अभी एक मिडफील्डर पे खर्च कर देंगे तो शायद आप डेक्लिन राइस पे दरवाज़ा बंद कर रहे हैं मुझे फिर मुश्किल लगता है कि डेक्लिन राइस शायद समर में नहीं आ पाएंगे फिर फिर आप दूसरी चीज़ों को एड्रेस करेंगे तो क्या आप वो रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो मैं थोड़ा सा उस तरफ हूँ मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा रिस्क है जो चेलसी ले रही है और पीटीएसडी इसलिए जैसा मैंने कहा कि बिग मनी साइनिंग्स जो होती हैं वो बहुत बार चेल्सी के लिए काम नहीं करी हैं तो आई होप कि एंजो फर्नांडिस अगर चेल्सी साइन कर लेती है तो जितना उनका प्राइस टैग है वैसा ही वो परफॉर्म करे क्योंकि लास्ट जो मुझे इम्पैक्टफुल मिडफील्ड साइनिंग याद है वो थी कोवाचिच की कोवाचिच हमने साइन किए थे मतलब ऑब्वियसली वो और जॉर्जीनियो लगभग सेम टाइम पे आए थे कोवाचिच लोन पे थे फिर उनको परमानेंट किया था लोन पे खिलाने के बाद एक सीजन के बाद बट अब मैं वही कहने का मतलब है मेरा कि कोवाचिच कांटे जॉर्जीनियो ये सब प्लेयर्स पाँच छः साल से हैं क्लब में तो अब आपको रिजूविनेट करने की ज़रूरत है फिर आप एंड्रेस एंटोस जो एक यंग प्रोस्पेक्ट है वास्को डिगामा से ब्राज़ील से उनको आप लेके आ चुके हैं और अगर आप किसी तरीके से किसी भी तरीके से एनजो और डैक्न राइस को अगर आप ले आते हैं तो एनजो डैक्लिन राइस और माउंट ये वर्ल्ड क्लास मिडफील्ड हो जाती है और मिडफील्ड मेरे हिसाब से की होती है हर चीज़ की हम जहाँ पे स्ट्रगल करते हैं हम दो जगह बहुत स्ट्रगल करते हैं हमारी इंजरीज की वजह से एक मिडफील्ड और एक हमारा जो राइट बैक का एरिया क्योंकि हमारी रीस जेम्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होगी तो राइट बैक वाला इशू जो है वो मैं सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूँगा बट एनजो फर्नांडिस मेरे हिसाब से चेल्सी को बेहतर टीम बनाते हैं उनमें वो ट्रेड्स हैं सारे जो एक मिडफील्डर में होने चाहिए और चेल्सी को जैसा एक मिडफील्डर चाहिए वो है एनजो फर्नांडिस ओनली थिंग इज़ उनका प्राइस टैग और बहुत कम उन्होंने अपनी फुटबॉल खेली यूरोप में सिर्फ अभी इस सीज़न ही वो आए हैं रिवर प्लेट से बेन्फी तो बहुत कम उनको टाइम मिला है अभी यूरोपियन फुटबॉल में बहुत कम टाइम उनको हुआ है और जब इतना एक बड़ा प्राइस टैग आप पे लग जाता है तो आप पे प्रेशर लेके आता है एक्सपेक्टेशंस का बोझा लेके आता है और क्या वो उस चीज़ को मैनेज कर सकते देखिए कॉन्फिडेंस उन्होंने दिखाया वर्ल्ड कप में जैसा मैंने कहा बेस्ट यंग प्लेयर थे अर्जेंटीना की सक्सेस का एक बहुत क्रूशल पार्ट थे लेकिन एक छः सात मैच के टूर्नामेंट में परफॉर्म करना और एक बड़े लंबे टाइम तक कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना लीग फुटबॉल में दोनों अलग अलग चीज़ें हैं तो वो देखना एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी तो क्या लगता है आपको अगर मैं पर्सनली बोलूं तो मुझे नहीं लगता कि चेल्सी ये डील क्लोज कर पाएगी क्योंकि 106 मिलियन पाउंड इतने एक यंग प्लेयर के लिए और जो प्लेयर अभी छः महीने पहले ही बेनफिका में आया है हाँ ठीक है जैसा मैंने कहा अगेन साइंस दिखाए हैं सारी चीज़ें हैं ट्रेड्स हैं लेकिन मुझे लगता है कॉम्प्लिकेशंस बहुत होंगे इस डील में बट हाँ अगर चेल्सी एजो फर्नांडिस को साइन कर सकती है तो अभी ही टाइम है क्योंकि एक बार अगर बाकी क्लब्स आ गए मैन सिटी है रियाल मड्रिड है बार्सिलोना अपने फाइनेंस शॉर्ट करने के बाद दे कैन ऑल्सो बी इन द रेस पी से लिंक आई थी बीच में तो अगर ये क्लब्स आ जाएंगे तो तो चेल्सी के पास कोई चांस नहीं है बिकॉज आई थिंक चेल्सी चैंपियंस लीग नहीं खेलेगी नेक्स्ट सीजन मुझे लगता है कि हम टॉप फ़ोर के बाहर क्वालिफाई करेंगे तो इस ट्रांसफर विंडो में जितना हम कैपिटलाइज कर सकते हैं कर लें क्योंकि नेक्स्ट समर में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा प्लेयर्स को अट्रैक्ट करना विदाउट चैंपियंस लीग फुटबॉल तो देखते हैं क्या होता है बाकी आपकी क्या राय है अगर आप चेल्सी फैन हैं तो आप बताएं अगर एनजो फर्नांडिस की डील होती है तो आपके उस पर क्या थाट्स हैं एंड डू यू थिंक दिस विल हैपन आई पर्सनली थिंक कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ये मुझे लगता है बहुत मुश्किल है मुझे नहीं लगता ये होगा बट हो गया तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि एक टॉप क्लास वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर पोटेंशियल है बनने की लेकिन अगेन एक पोटेंशियल पे एक 106 मिलियन खर्च करना तो घूम फिर के बात वही आ जाती है हाई रिस्क है बट जैसा हम कहते हैं कि क्या हाई रिवॉर्ड भी मिलेगा हाई रिस्क के साथ वो देखना एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी चलिएगा इस वक्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ ध्यान रखें जब तक अपना टेक केयर एंड पीस